अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यू न्यूज़, मैं हूं मेहरीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस ने नून लीग के चेयरमैन नैब को हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को अहदे से हटाने के लिए नून लीगी रहनुमा नूर अवान ने दरख्वास्त दायर की थी। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ मरियम नवाज की 11 से 15 जून तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के हतमी दलाइल जारी। एहतसाब अदालत में दौरान समाअत ली की वकला की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। जज ने कमरा अदालत में गुफ्तगू करने पर झाड़ पिला दी, कहा जिसने गुफ्तगू करनी है बाहर जाके बरामदे में करे। डॉक्टर आफिया सदीकी की वतन वापसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस ने फौजिया सदीकी की अपील पर इन चैम्बर समाअत की। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद खुली अदालत में समाअत करेगा। हकूमती दावों के बावजूद आवाम को लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। पंजाब में अरबों डॉलर मालियत के लगाए पावर प्लांट्स बिजली की पैदावार शुरू करने में नाकाम। आवाम सवाल तो करेगी। सिंध के मारूफ बुजुर्ग सियासतदान रसूल बख्श पलीजो इंतकाल कर गए। रसूल बख्श पलीजो कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। तदफीन उनके आबाई गाँव जंग शाही ठट्टा में होगी। मिट्टी में अकलीती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली सुनीता परमार का भी 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सुनीता परमार ने थर की ख़वातीन के हकूक़ के लिए कागजात नामजदगी भी हासिल कर ली। आज़ाद खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ने लगी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिखों का आज़ाद मुल्क के लिए ज़बरदस्त मुजाहिरा। मुजाहिरीन का गोल्डन टेम्पल में सिखों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रेंडली मैचेस दुनिया भर में इसराइल की जगह हसाई। फलस्तीनी बच्चों के कहने पर अर्जेंटाइन ने मैच कैंसिल किया। अर्जेंटाइन के मैच कैंसिल करने पर इसराइली का फीफा से तहकीकात का मुतालबा। और दुनिया में बढ़ती प्लास्टिक आलूदगी पर काबू पाने के लिए खवातीन भी मैदान में आ गई। खवातीन ने कचरे की नज़र होने वाली प्लास्टिक की एशिया के बैग बनाना शुरू कर दिए। न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.unews.tv।